इसके प्रीवियस वीडियो में आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन समझा। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2 को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन से आपको समझाया। पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी हमारा कहता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इस द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। मीन्स ऑफ दैट यदि हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल 90 के फ्रंट की साइड उसकी हाइपोटेन्यूस कहलाती है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस मीन्स ए का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपके सम ऑफ द अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग हमारा ए मल्टीप्लाई ए, मीन्स ए को हमें टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यदि हमें टू स्क्वायर गिवन है इट मीन्स ऑफ दैट टू मल्टीप्लाई टू। यदि आपको थ्री स्क्वायर गिवन है इट मीन्स ऑफ दैट थ्री मल्टीप्लाई थ्री इट मीन्स ऑफ दैट नाइन। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि जो हमारा ये जो हाइपोटेन्यूस है उसकी साइड का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आइए इसके बेस पे अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है हमको डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड अगर 3, 4, 5 सेंटीमीटर है तो क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है, ये हमें पता करना है। तो सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट साइड की जो लेंथ है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है मीन्स ऑफ दैट 5 का जो स्क्वायर होगा 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अब नेक्स्ट अदर टू साइड जो हमारी छोटी है सबसे ग्रेटेस्ट साइड से उनके स्क्वायर के सम को ऐड करते हैं, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं। 3 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 4 मल्टीप्लाई 4। तो हैंस 3 स्क्वायर वी नो दैट 3 3 3 9 एंड 4 4 16 एंड 16 प्लस 9 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25। और 5 का स्क्वायर भी हमारा कितना आ रहा है 25। मीन्स ऑफ दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट 3, 4, 5 हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड क्या कर सकती है, बन सकती है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 इज गिवन हियर इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट सी इफ ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए सी इज 5 सेंटीमीटर and BC is equal to 12 cm, find the length of AB. So with the help of the Pythagoras theorem, हम AB square की जो value है, because AB हमारा hypotenuse होगा, तो AB square की जो value होगी, length of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides, then 5 square plus 12 of square, and the value of 5 square means 5 multiply 5, and the value of 12 square means 12 multiply 12 and 5 multiply 5 is equal to 25 and 12 multiply 12 is equal to 144 and 25 and 144 ko yadi hum add karenge to it becomes 169 and 169 ko agar factorized pattern mein likhenge prime factorization mein to 169 is the multiplication of 13 and 13 it is equal to 13 square hence AB square is equal to 13 square स्क्वायर एंड स्क्वायर को अगर हम कैंसिल करें तो ये हमारा इम्प्लाइज करेगा कि लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके तो आइए पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे सम क्वेश्चंस जो हमें ट्राइडिस में गिवन है उसको बनाते हैं। सबसे फर्स्ट हमें गिवन है ये हमारा 90 डिग्री का है, इसकी फ्रंट की जो साइड होगी हमारी हाइपोटेन्यूस होगी, तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा हाइपोटेन्यूस की लेंथ होगी, तो एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स मीन्स ऑफ दैट 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 4 इज 16
and 9 plus 16 is 25. So x square is equal to 25 means of that 5 square. So the value of x agar square aur square both sides se cancel kare to x ki value hamari isme aayegi 5. Next question number second mein dekhe, ye bhi hamara 90 degree ke front ki side hai. It means of that ye hamara hypotenuse hai. Again x square ki jo value hogi wo 6 square plus 8 square ke equal hogi. And 6 square means 6, 6 is 36. 8 square means 8, 8 is 64. Hence, the value of x square is equal to 36 plus 64 ko agar hum add kare, so it is 100. And we know that the 100 is the square of 10. 10 is the 100. And 10 square and square ko hum cancel karenge, to humare x ki value kiti aayegi? 10. Next question number 3rd mein hum dekhe, to ye humara hypotenuse hai. Again, x is the hypotenuse. So the value of x square with the help of the Pythagoras theorem, sum of the other two sides square ke equal hoga. Means 8 square is equal to 8, 8 is 64 and 15 square is 225. Ab hum 64 plus 225 ko agar hum add karenge, so it is 5 plus 4 is 9, 8 and 2. And 289 is the square of 17. 17, 70 is the 289. Hence, the x square is equal to 17 square. So, the value of x will be equal to 17. Next question number 4 ko kare. Question number 4 mein hume given hai. Ye 90 degree ke front ke side again. Hypotenuse. So, the x square will be equal to 24 square plus 7 square and the value of the 24 square means 24 multiply 24 agar hum karenge so it is 576 and 7 square is equal to 7, 7 is 49 and 576 plus 49 ko agar hum add kare to it is becomes 625 and 625 अगर देखें तो ये हमारा स्क्वायर ऑफ द 25 होता है. यदि आपसे नहीं बनता तो हम सेपरेट पहले 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल लेंगे. 5 1 जा 5, 1 इज रिमेनिंग, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25. इट मींस ऑफ दैट 625 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. अगर हम पेयरिंग बनाएं तो इट इज 5 5 सर 25 मल्टीप्लाई 25. इट मींस ऑफ दैट 625 इज द स्क्वायर ऑफ द 25. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 25. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं. हियर द क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ये जो ट्रायंगल है, हमें टोटल इन पूरी लेंथ को निकालना है. और अगर हम देखें तो ये दो ट्रायंगल हमारे सेम पैटर्न के, तो हम इस लेंथ को फाइंड आउट करेंगे और उसका फिर डबल कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी. तो सबसे फर्स्ट लेट कंसीडर एनी वन वेरिएबल, लेट वाई अगर हम कंसीडर कर लेते हैं और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे. ये 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस. तो 37 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 12 स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होगा. तो हैंस दिस इज इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 स्क्वायर. एंड 37 स्क्वायर मीन्स 37 मल्टीप्लाई हमें 37 करना पड़ेगा. अगर हम 37 मल्टीप्लाई 37 करें तो ये हमारा आ रहा है टोटल 1369. एंड 12 स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 12 मल्टीप्लाई 12 एंड 12 मल्टीप्लाई 12 हमारा होता है 144. इस वैल्यूज को यदि हम यहाँ पे रखें तो 1369 माइनस 144. अब नाउ 1369 माइनस ऑफ 144 यदि आप सब्ट्रैक्शन करें तो इट इज बिकम्स 1225. एंड 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन. सबसे फर्स्ट 5 से करें, 5 टू ज 10, 5 4 is 20, 5 5 is 25. Next, again 5 से करें, 5 4 is 25, 9 is 49 and 7 7 is 49. So, अब यहाँ पे लिखते हैं हम 1 2 2 5
and this will be the square of 5 and square of 7. Means 7 multiply 35 के square के pattern में हम इसको लिख सकते हैं. So हमारा y square की जो value आ गई, value of y square is equal to 35 square. Hence the y is equal to 35. तो ये value हमारे पास y की value कितनी आ गई 35. अब x y का क्या होना है? Double होना है, because ये दोनों triangles हमारे क्या हैं? Same है. Hence the value of x is 2 times of y. Means 2 multiply 35, hence the value of x will be equal to 70. अब next question number 6 को करेंगे. Question number 6 में हमें इस value को find out करना, इस length को find out करना. यहाँ पे दो right angle triangle, पहला right angle triangle हमारा ये, फिर दूसरा 90 degree का angle हमारा ये बन रहा है. तो सबसे first हम इस length को निकालते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके फ्रंट की साइड हमारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी. तो इस लेंथ को हम वाई मान लेते हैं, पहले वाई अज्यूम करते हैं. तो सबसे फर्स्ट यदि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. 5 स्क्वायर मीन्स ऑफ 25, 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. हैंस this implies that y square is equal to 16. So the value of y is equal to 4, because 16 is a square of 4. Square or square cancel करेंगे, तो y की value हमारी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी. अब next यदि आप देखें, ये पूरा complete एक right angle triangle बन रहा है आपका. Okay, तो इस जो complete length की जो value आएगी, वो 12 square plus 5 square के equal होगी, क्योंकि ये हमारा 90 degree है. 90 डिग्री के फ्रंट की साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है. तो इस कंप्लीट लेंथ को अगर हमें निकालना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को निकालना है, तो हमें 12 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर करना होगा. 12 स्क्वायर इज 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25 एंड इट इज टोटल 169 एंड 169 मीन्स ऑफ दैट 13 स्क्वायर. तो इस ये वाली जो लेंथ हमारी आ जाएगी, कंप्लीट वाली जो लेंथ आएगी, उसकी लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? 13 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? ये इम्प्लाइज करेगा 13, क्योंकि स्क्वायर हमारा क्या होगा? कैंसिल. तो ये पूरी कंप्लीट लेंथ हमारी आ गई 13. और यहाँ की लेंथ हमने क्या निकाली थी? y इज इक्वल टू 4. हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है. तो x प्लस ये जो y हमारा है 4, यही हमारे किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है. हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 9.